नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। वीकेंड इंटरव्यू सीरीज चल रही है रितेश रजनीश जी के साथ। पिछले हिस्से में आपने उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बारे में जाना, आज उससे आगे की बातचीत। अच्छा रजनीश भाई, ये बताइए कि ये फैसला कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ कि अब आप दोनों लोग भी इतने मेच्योर हो गए हैं कि अब आपके अपने कार्यक्रम होंगे, यानी अब आप लोग पीछे संगत में नहीं बैठेंगे बल्कि रितेश रजनीश की जोड़ी के तौर पर इंट्रोड्यूस होंगे और गाएंगे। 90 के दशक में बताया अभी रितेश भाई ने, लेकिन बात तो हुई होगी घर में, पिताजी ने डिसाइड किया होगा, कैसे डिसाइड किया था? इसका डिसीजन एक्चुअली 92 में हम लोगों ने पहला बड़ा कॉन्सर्ट जो जिसको हम बोले अगर सप्तक फेस्टिवल में हमने 92 से हम लोग उसमें गाना शुरू किए, तो वहां से हमारा सफर शुरू हुआ। और वो भी पिताजी लोगों की ही सोच रही होगी कि अब इनको अकेले गाने एक बारी बोलते हैं, और वो बहुत ही बड़ी संख्या में वहां लोग आते हैं सप्तक फेस्टिवल में। तो वहां से हम लोगों को छोड़ा गया कि अब देखते हैं। तो वो हमारे लिए टेस्ट था जिसको कि पिताजी लोगों ने अपने अंदाज से आकलन किया, और आगे आने वाले टाइम में उसके बाद हम लोगों को जैसे जैसे कॉन्सर्ट्स मिलते गए, वो उन्हीं की कृपा रही, उनके वजह से कुछ कॉन्सर्ट्स शुरू शुरू में हम लोगों को उनके कहने पे मिलते रहे। तो एक अंदाज अपने को भी आना शुरू हुआ, क्योंकि जब हम 4 लोग गाते थे तो उसमें क्या है कि एक बारी पिताजी गा रहे हैं, एक बारी चाचा जी गा रहे हैं। अब जो लोग 50 साल से साथ गा रहे हैं उनके साथ खुद भी घुस के गाना वो बहुत मुश्किल था। और एक एज आने के बाद क्या होता है कि हर पिता सोचता है कि अब मेरा बेटा शायद खुला इसको छोड़ देना चाहिए, अब इसको अपने अंदाज से गाना देना चाहिए। तो शायद उनकी सोच ऐसी रही, तो उस दौरान से हम लोगों को अलग से गाने के लिए भेज दिया जाता था। फिर बीच बीच में कई बार ऐसा भी रहा कि हम चारों एक साथ भी गाते थे, बट वो बहुत ही रेयर होता था, बहुत ही कम हुआ वैसा कॉन्सर्ट, क्योंकि उनका ये सोच था। और हम लोगों ने खुद ही उनसे बोला कि कुछ गरीबों पे भी दया करिए आप लोग, क्योंकि जब वो दोनों एक साथ, उनकी एक माइंड मेकअप है, जैसे अब हम दोनों के साथ अगर किसी और दो को बिठा देंगे तो उन दोनों को भी वही परेशानी होगी जो हम लोगों को परेशानी होती थी। क्योंकि हम लोगों का क्या है कि जब ये गा रहे हैं तो मैं उसको सोच रहा हूँ, जब मैं गा रहा हूँ तो ये उसको सोच रहे हैं, तो वो एक एक मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो पता नहीं चलता कि कब स्विच हो रहा है। तो ये पिताजी और चाचा जी का होता रहता था, और हम लोग अपनी जगह बीच में सोचते थे कि अरे यार ये जगह छूट गई, अरे ये जगह छूट गई हमारा। तो उससे जूझते हुए किसी तरीके से हम लोगों ने उनके साथ गाया, उन्होंने गवा लिया हम लोगों को, लेकिन उन्होंने शुरू से ही एक विश्वास रखा कि बाकी और कलाकारों के बच्चों ने बहुत पहले से, हमसे भी बहुत पहले से संगीत कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था। और वो लोग भी पूछते थे पिताजी से कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं अकेले गवाते हैं। तो हमेशा से उनका यही जवाब रहता था कि सब चीज का समय आएगा, और सब चीज का समय ही सब बताता है कि आप किस समय उस लायक बने। तो हम लोग शायद उस समय उनके हिसाब से उस लायक बने, और उन लोगों ने हम लोगों को पुश किया कि अब अकेले गाओ। और उसमें भी कितना बड़ा चैलेंज है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग राग बागेश्वरी गाएंगे। अब 92 में हम लोगों की अवस्था ऐसी थी, अब मतलब पिताजी लोगों के साथ हटके मत गाना था, तो बागेश्वरी में मंडल मिला हुआ है और सब है। तब तक वहां ग्रीन रूम में आए पिताजी, तो बोल रहे हैं कि क्या गा रहे हो यार, तो रितेश भाई ने बताया कि बागेश्वरी गा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है, नायकी कानड़ा गाते हो तो नायकी कानड़ा की स्पेलिंग भी नहीं आती थी और उन्होंने शायद उनका ट्रस्ट था या शायद उनका एक विजन ऐसा था कि हम लोगों को ऐसी जगह पे फंसाए ले जाके, उन्होंने सुरमंडल लिया और नायकी कानड़ा में मिला के बोला नायकी गाओ, इसका ये चाल चलन है और बाकी तो सुने ही हुए हो। और उनके आशीर्वाद से वो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हम लोगों को इनाम भी मिला। लेकिन उन्होंने ये बात में फिर हमें दोनों को बैठा के ये समझाया भी कि चैलेंज एक्सेप्ट करना लाइफ में, कभी मत छोड़ना जब कभी भी। अब अभी हम लोगों के अंदर एक उन्होंने
ऐसी चीज दी है कि हम लोग कभी भी घर से सोच के नहीं निकलते कि हम उस कॉन्सर्ट में जा रहे हैं तो हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए, हमको वही राग गाना है, क्योंकि हमारे आगे पीछे जो भी कलाकार गाते बजाते हैं उनका क्या राग है, तो उस हिसाब से हम घर से बाउंड होके नहीं चलते कि नहीं उस प्रोग्राम में हमको मालकौंसी गाना है या श्री गाना है। समय के अनुसार अपने आप को बदलना, ये ही गुरु का सबसे बड़ा देन है हमारे जीवन में, कि शिक्षा तो दी लेकिन एक कलाकार का विजन दूसरे एंगल से भी ऐसा ब्रॉड होना चाहिए, ऐसा वाइड होना चाहिए कि हर एस्पेक्ट उसमें फिट हो, हर एस्पेक्ट को वो देखते थे। तो कहाँ क्या गाना है, कहाँ कौन सा राग गाना है, किस पब्लिक के सामने कैसा राग गाना है, वो शायद बहुत गिने चुने कलाकारों में आज देखने को मिलता है। कहीं ऐसे यंगस्टर्स बैठे हैं और अगर उनके बीच में अगर आप दरबारी जैसा राग गाएंगे तो वो थोड़ी देर तो सुनेगा क्योंकि आप बैठे हैं गाने के लिए, लेकिन डोज वही जैसे दादाजी बोलते थे ना कि डोज उतना ही दो सामने वाले को जितने की जरूरत है। तो आज के युग में संगीत करना है, उसकी वही प्योरिटी भी है, वही वैसे ही उसका मान सम्मान रखते हुए करना है, लेकिन कहाँ क्या गाना है, कहाँ कौन सा राग फिट होगा, उसका जो सोच पिताजी ने दिया उसका आनंद हम लोग ले रहे हैं आज भी, तो बस उन्हीं का है सब।
Ah,
भी हो सकता है ये दिला से खाले उमड़ खन इंटरव्यू खत्म करूं उससे पहले एक चीज बताता हूं आपको कि मैं चूंकि आप दोनों को भावुक नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैं मेरे लिए भी बहुत बड़ा वो सदमा था। आप दोनों के पीछे मुझे तस्वीर दिखाई दे रही है पंडित जी की और सिर्फ जितने कम से कम शब्दों में आप बताएं कि कौन सी एक चीज आप दोनों लोग रितेश भाई आप भी और रजनीश भाई आप भी ताउम्र याद रखेंगे पंडित राजन मिश्रा जी की जो वो सीख के तौर पर दे गए हो आप लोग को। उन्होंने एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज सिखाई वो सिखाया कि बेटा रुकना सीखो और झुकना सीखो। तो बस जितना हम रुकेंगे उतना ही हमें दिखेगा, जितना हम झुकेंगे उतना ही मिलेगा। तो हमारी जो मिलने की प्रक्रिया और आशीर्वाद ग्रहण करने की प्रक्रिया वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने सिखाया कि बेटा रुकना सीखो और झुकना सीखो। तो आप कैसे याद करते हैं? बस वैसे ही जैसा इन्होंने बताया, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। अदब में रहोगे तो नसीब साथ देगा, जो कि बहुत जरूरी है आपके आपके रागगिरी के माध्यम से। मैं जो भी लोग सुनेंगे, जो भी लोग सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं यही बोलूंगा कि प्लीज 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 संगीत, शास्त्रीय संगीत को बदलाव की जरूरत नहीं है, उसको बदले ना, उसकी प्योरिटी को वैसे ही रखें। और ये कहावत हमेशा हर कलाकार को याद रखना चाहिए, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। बेअदबी किए किसी राग के साथ तो राग ही तुरंत वही आपको बता देगा कि मैं कितना बड़ा हूं। तो यही उनका दिया हुआ एक आशीर्वाद है हम लोगों के। रितेश भाई, रजनीश भाई, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमने पंडित राजन मिश्रा जी की स्मृतियों को याद किया, उनकी दी हुई सीख को याद किया। हमारी तरफ से, हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से यही शुभकामना है कि उनकी ये जो सीख है वो आपके साथ ताउम्र रहे, वो और मजबूत हो, वो और सशक्त हो और एक कलाकार के तौर पर आपको और परिपक्व बनाए। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।